ग्राम पंचायत के पोषक ग्राम के निर्माणाधीन पुलिया को ग्रामीणों ने बताया माने। निर्माण कार्य को रोक लगाने की रखी मांग। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से की शिकायत। ग्राम पंचायत अमलईमाल के पोषक ग्राम रहेंगी में लगभग 6 लाख रुपये की लागत से पुलिया का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा कराया जा रहा है। वहीं गाँव के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत द्वारा किए जा रहे इस पुलिया निर्माण को असामान्य बताते हुए जनपद पंचायत डिंडोरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से शिकायत की है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और उपयंत्री द्वारा मनमानी करते हुए स्वीकृत स्थान से कुछ दूरी पर पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर ग्रामीणों ने रोक लगाते हुए उचित कार्रवाई किए जाने और स्वीकृत स्थान पर पुलिया निर्माण किए जाने की मांग की है। वहीं जब इस मामले में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने जाँच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। बताए कौन सा गांव है ये और क्या काम चल रहा है यहाँ पे? ये ग्राम पंचायत इमलीमाल का पोषक ग्राम रहेंगी है। यहाँ पुलिया निर्माण कार्य चालू है जो ग्रामवासियों के असंतुष्ट है। हमें जहाँ जियो टैग हुआ है, जहाँ नक्शा खसरा जो फाइल लगा है, जहाँ TS हुआ है, वहाँ का कार्य करें, हमको कोई इतराज नहीं है। पर जहाँ TS हुआ है उससे हटकर अन्य जगह पे सरपंच अपन मनमानी जबरदस्ती कर रहा है। कोई ग्रामवासियों का यहाँ सहमति नहीं है। सरपंच अपने मन से कर रहा है कि हम यही बनवाएंगे, आपको जो जो करना है, जहाँ जो भी जैसा करना है वो कर लीजिए, हमें पुलिया यही बनवाना है। कोई जरूरी नहीं है कि जियो टैग में ही हो काम, ऐसा करके सरपंच पति का कहना है। सरपंच पति कह रहा है इस बात को, ठेकेदारी सरपंच पति कर रहा है। यहाँ कौन है सरपंच? सरोज सरोजवती, उसके पति है राम सिंह ध्रुवे, जो अपने मनमानी से वो पूरे ठेकेदारी कर रहा है। पुलिया कहाँ बनना था? और पुलिया उमर नाला में बनना था, जिसका नक्शा खसरा जीरो टैक हुआ है वहाँ पे। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमें वही कार्य होना चाहिए जहाँ जीरो टैक हुआ है, नियम के हिसाब से जहाँ जीरो टैक हुआ है वहाँ बनना चाहिए। दूसरे जगह करने पर हमें इतराज है, वहाँ कार्य बंद किया जाए। मैडम क्या नाम है आपका? श्रीमती सरोजवती ध्रुवे। क्या है आप ग्राम पंचायत में? सरपंच। आपके यहाँ एक पुलिया का निर्माण हो रहा है, उसमें ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज की है, क्या है पूरा पुलिया जो बन रहा है? दो आरो का बनवा रहा है सर। स्वीकृति कहाँ की हुई है और कहाँ बन रहा है? की हुआ है। क्या एस्टीमेट है इसका? कितनी की लागत? 6 लाख। 6 लाख रुपए की स्वीकृति है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है जो मेन नाला में पुलिया नहीं बनाया जा रहा है, जबकि स्वीकृति वहां की हुई थी, जिसमें क्या दूसरी जगह बनाया जा रहा है, जबकि वहां कोई बहाव का जगह नहीं है करके। नहीं, वही का वही नाला है सर, नाले में बनवा रही हूँ मैं। मतलब जिस नाले की स्वीकृति उस नाले में नहीं बन रहा है, ऐसा कहना है? नहीं, वो 100 मीटर के मतलब 100 मीटर का रहता है वो, तो उसके अंदर से बनवा सकते हैं ऐसे करके। सर बोला मेरे को। कौन सर बोले? इंजीनियर सर। वही बनवा दो, अभी कम का सेक्शन हुआ है उसका, तो ये बड़े नाला है, बड़े नाला का लागत के हिसाब से ये नहीं है। कौन है आपके इंजीनियर? कमलेश तुम की थी। तो फिर कैसे आगे कैसे काम करेंगे उसमें, जब ग्रामीण आपत्ति जता रहे हैं? ये आपत्ति सर विपक्ष में लड़ाई लड़ी हूँ मैं, इसलिए ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं मेरे ऊपर। मैं तो वही नाला है करके मैं वही बनवा रहा हूँ। अच्छा, ये ग्राम पंचायत ठेका देके काम करवा रहा है? नहीं, ठेका वेका नहीं है, बस मैं एग्जाम काम करवा रहा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आपके पति जो है वो ठेका लेके काम कर रहे हैं। वो नहीं है कि ठेकेदार, मैं स्वयं काम करवा रही हूँ। ग्राम पंचायत की पोषक ग्राम रहेंगी में एक पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। उसमें ग्रामीणों का आरोप है कि जहाँ पे बनना था वहाँ नहीं बनना है पुलिया। आपके माध्यम से इस पुलिया निर्माण के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है, एवं मेरे पास में ग्रामीण वासियों का एक शिकायत आवेदन पत्र भी प्राप्त हुआ है। इस संबंध में एक हम यहाँ से हमारी एक टीम को भेजेंगे, और अगर ये नियमानुसार नहीं पाया जाता है स्थल पर, तो संबंधित विभाग कार्रवाई की।